कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरी गाड़ी की सर्विस है, तो सर्विस के लिए जा रहा हूं मैं। सुबह सुबह निकल गया हूं मैं, गाड़ी चल गई अपनी 198448, मतलब 198448। तो जल्दी जा रहा हूं इसलिए क्योंकि जल्दी मिल जाएगी गाड़ी, नहीं तो फिर बहुत भीड़ होती, संडे आज वैसे ही है, तो इस चक्कर में जल्दी जा रहा हूं। मेरे कुछ गाड़ी में कुछ चेंज भी करवाना है, पिछली बार उन्होंने सर्विस करते टाइम मेरी गाड़ी की हेडलाइट, पीछे की बैकलाइट तोड़ दी थी, तो वो भी उन्होंने ऑर्डर पर डाली कि डाली, वो भी देखना है, तो वो भी चेंज करानी है। और आगे से कुछ आवाज़ आती है स्टेयरिंग जब काटते हैं तब, और मेरी फॉग लैंप भी ख़राब हो गई, फॉग लैंप भी ठीक करवानी है। तो सर्विस सेंटर तक आके ये सारी चीज़ करा के फिर आते हैं, क्योंकि अभी 2 लाख वाली सर्विस होगी, इसके अंदर पता नहीं कितना खर्चा आएगा, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या क्या चेंज करेंगे वो। भाई मेरी एक भी सर्विस गाड़ी की ना बाहर नहीं कराई मैंने आज तक, सारी अंदर ही कराई है, इसलिए मैं कंपनी में कराता हूँ, तभी भाई इतनी चल गई, तो चल नहीं पाती इतनी, बाकी वही मिलता है मुझे सेंटर में। यार तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, पता नहीं कैसे रोड बनाते हैं, समझ में नहीं आता। ये भी हमारे यहाँ पर एक पुल बना है, तो भाई ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इधर जाना है। आपको मैं दिखाता हूँ, आज मैं इधर जाता हूँ, ये देखो ये रास्ता ऐसे गया भाई, देखो डिवाइडर है बीच में, मतलब उधर से ही बंदे आ सकते हैं, लेकिन अब आप आगे देखना कैसा बना रखा है, अभी दिखाता हूँ आपको, शीशा थोड़ा गंदा हो रखा है, अब देखना आगे, मतलब आगे तो ये समझ लो कि कट मारना पड़ा, जिस चीज के लिए इन्होंने पुल बनाया वो चीज तो हो ही नहीं रही है, जाम तो फिर भी लगता है। ये देखो अब यहाँ से आके ऐसे कट मार लो, अब अगला बंदा वहां से डबल रोड पे कैसे जाएगा, समझ में नहीं आता। तो भाई अपना नहीं, गवर्नमेंट कैसे क्या करती है समझ में नहीं आता है, क्या प्लानिंग होती है इनकी, और भाई पता नहीं यहाँ पर आके ऐसे आना पड़ता है। ये भाई क्या सनराइज हो रहा है, बहुत बढ़िया यार, क्या सनसेट हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया, देख रहे हो बढ़िया सनसेट हो रहा है। गाड़ी सर्विस के लिए पहुँच गई है, सर सर्वे कर रहे हैं इसके लिए, गाड़ी में जो दिक्कत है सर को मैंने बता दी है, बाकी देखते हैं क्या और दिक्कत आएगी। 2 लाख वाली सर्विस है, तो सर फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं भाई, उस लाइट में थोड़ी दिक्कत थी, उस लाइट को मैं चेक करवा लूँगा, बाकी सर्विस होने के बाद बताया कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा, बाकी आपको बताते हैं। गाड़ी अपनी सर्विस पर लगती है भाई, देखो गाड़ी में क्या क्या हो रहा है, ये देखना टांग दिया भाई गाड़ी को हमारी। तो भाई वैसे मेरा आज जाने का प्लान था अजय के साथ फिर, लेकिन मुझे लगा वो गाड़ी से कराने चक्कर हम जा नहीं पाए, तो आज भी अजय हमारे साथ होता, तो शाम को मिलेंगे उससे, जैसे शाम के टाइम, तो एग्ज़ाम है उसका थोड़ा इसलिए गया हुआ, पहले मेरा प्लानिंग था कि साथ में चलता हूँ, तो फिर मैं एकदम से याद आया कि मुझे गाड़ी सर्विस करानी है, तो गाड़ी सर्विस कराने के लिए मैं आ गया। बाकी शाम को तो पक्का मिलेगा वो, तो मिलेगा तब आपको उसको वीडियो में रहते हैं, फिर देखते हैं आपका। गाड़ी का अपना काम हो गया है, बस अब थोड़ी सफाई चल रही है, बोले तो पॉलिश चल रही है इसके अंदर, हम बिल बनवा लेते हैं, फिर सर भी आ गए, बिल बना जाके अपना पहले, उसके बाद फिर चलते हैं। तो गाड़ी की सर्विस हो चुकी है भाई, अब जा रहे हैं हम घर, और भाई बिल नॉर्मली जितना हर बार आता है उतना ही आया है, 7,000 समथिंग कुछ आया है, इतना तो क्या बताऊं भाई आ ही जाता है, मेरे कुछ पैसे और कम आते हैं लेकिन भाई किसी वजह से हो नहीं पाए, और लाइट भी नहीं आ पाई, लाइट भी इशू कर दी है, लेकिन वो कह रहे कि अब आ जाएगी लाइट तो हम आपको दे देंगे लाइट ऐसे ही, वो बिल में तो इशू कर दी उन्होंने और उसके पैसे भी कम कर दिए उन्होंने, बाकी देखते लाइट। CNG भर रही है भाई, अब CNG भरा के फिर वापस ले पेट्रोल डलवाना है, हम इसको पहले CNG भरवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा के फिर गाड़ी खड़ी कर देंगे, गाड़ी तो भाई पेट्रोल बहुत तेज भाग रही है, गाड़ी तो घर पहुंच गए हैं भाई, मम्मी और पापा के लिए बना रहे चाय बन रही है भाई, चाय उबल रही है तो चाय बना रहे हैं, मम्मी पापा सो रहे हैं तो उनको चाय दे देते हैं, बाकी भाई मैं तो पीऊँगा नहीं, मैं थोड़ा जाऊँगा बाहर अभी दोबारा, अजय का फ़ोन आया था तो शाम को मिलने की बात हुई तो मिल लेंगे उससे। तो भाई हम जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी के लिए भाई, अजय भी आ रहा है भाई, हम पिक करके बड़े हमारे बड़े भाई भी साथ में हैं, और ये हमारा एक फौजी भाई था भाई, पैसा ही खर्च करेगा, तो भाई अभी मिलते वहीं पे, आए गाड़ी आ रही है भाई आराम से, यार डर लगता है स्कूटी पे
ये वाली मेरे को जरूर दियो। अरे उठा ले, तू उठा ले, लग जाएगी गाड़ी से। तो भाई चलते हैं। अरे कहाँ उठ रहे हो सेठी? भाई पैसे मैं दूंगा, तू ही दे पैसे। तू पैसे कैसे जा रहा तू? अबे कंजूस आदमी भाई, पैसे मैं दे दूंगा। तू पहुंच कंजूस बोल देना मेरे को। तू पहुंच पहले बोल कि भाई पैसा वाला बंदा है। नहीं आईफोन भाई इसने दिलाया था मेरे को, किडनी बेच के भाई। अबे पहुंच ही, अबे सीट लेनी पड़ेगी भाई। भरोसा नहीं मेरे को भाई, समझा कर बात को, पहुंच जा। चलो सही भाई, वहां पर खड़े हैं। अभी आ गया। अबे जतिन नहीं आया? हाँ, क्या बोल रहा है भाई? क्या क्या बोल रहा है? मैं नहीं आ रहा। अबे भाई यार धोखा दे दिया, तो सच्ची में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ओ भाई यार। तो भाई टावर पिज्जा आ चुके हैं। तो भाई ये भी आ रखा है, ये तो भाई स्कूटी से कूदा था, पैसे ना देने पड़े चक्कर में। आज जगह भी ले लिया, शाम को मिल लिया, बात हुई थी शाम को मिल लिया भाई। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो भी पिज्जा आ रहा है और साथ में कोल्ड कॉफी भी आ रही है, दो कोल्ड कॉफी। क्या ले लिया तुमने? क्या फोन पे कर रहे हैं क्या? महंगा है ज़्यादा, इसको कट। तो भाई खाते हैं फिर घर चलते हैं वापस। कोई बात नहीं, आ जाने दो यार भाई। पेटीएम वालों से तो कुछ दिक्कत आ गई है नेटवर्क वगैरह में। तो भाई एक भाई के 110 रुपए थे, फंस गए वो, भाई के पास पहुंचे नहीं है। भाई परेशान हो गया और ये भाई परेशान हो गया। तो इसको भाई, इसको भाई पसीने आ गया भाई, देखना। अरे नहीं यार, बहुत माहौल बिगड़ता हो जा रहा है, निकाल रहे हैं साफ करवाने के लिए। यार नहीं यार, तो भाई चेक कर रहे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार इशू जाता भाई। एक बार तो मेरे पता था मैं उसके थे। अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई के मुंह पे पसीना, सर पे देख रहे हो पसीना। ये कांड कोजा की दादी की हो गया भाई, ये कांड। एक तो कोजा पहली बार भाई खिलाने आया था, उसमें भी कट गया इसका यार। अरे नहीं यार भाई, पेटीएम वाले को मैं डाल दे भाई, बात मान डाल दे। मुद्दा क्या हुआ भाई? बता क्या हुआ? ये था भाई ने 110 रुपए हमने मोमोज खाए। किसको किए थे? इनको 110 रुपए किए। हां भाई बोला नहीं आए, एक और बार 110 किए वो चले गए। भाई 110 रुपए जा चुके हैं नीचे पेमेंट। भाई बहुत ही परेशान है, भाई के पसीने आ रहे, देख सकते हो आप, देखो कितना परेशान है भाई। रो मत यार, आपको हम दिलवा देंगे पैसे, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है।